विद्यार्थियों, आज हम लोग साल्विया नामक पौधे में पॉलिनेशन कैसे होता है इसका अध्ययन करेंगे। साल्विया, आप देखें साल्विया में जो स्टेमेन होता है वो कुछ खास प्रकार का होता है। स्टेमेन में देखिए संरचना क्या क्या होती है। स्टेमेन में एक फिलामेंट होता है और उसके ऊपर ये एंथर है या पराग कोष है। एंथर सामान्यतया बाईलोब्ड होता है, इसमें दो लोब हैं, एक आप देख सकते हैं कि ये है और ये दो लोब हैं। साल्विया में क्या बात होती है कि साल्विया में ये दोनों लोब अलग अलग हो जाते हैं। देखिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो साल्विया का जो ऊपर वाला लोब है ये फर्टाइल होता है, इसमें पुंकेसर यानी पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है और नीचे वाले लोब में पॉलन ग्रेन्स या पराग कणों का निर्माण नहीं होता है। पराग कण ही आगे चल करके मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। अब आप देखें ये बीच में ये योजी आपको दिख रहा है, तो ये जो है बीच में ग्रीन कलर से ये कनेक्टिव है या योजी है, इन दोनों को अलग करता है। तो नीचे वाला लोब स्टेराइल है, इसमें पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन नहीं होता। ऊपर वाला लोब फर्टाइल है, इसमें पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। इस चित्र में हम लोग ये देखेंगे कि यह साल्विया का एक सेक्शन है। आप इसमें देखें कि यह जो एंथर है, एंथर का फिलामेंट काफ़ी छोटा है, ये शॉर्ट फिलामेंट है। और ये देखें यानी जो पराग कोष है, यानी जो एंथर है, एंथर एक ऊपर का लोब है, नीचे का लोब है, दोनों अलग हो गए हैं, बीच में कनेक्टिव है। ऊपर का लोब पीले रंग से है, ये फर्टाइल है। नीचे का वाइट कलर से दिखाई पड़ रहा है, ये स्टेराइल लोब है। और यह, और दूसरी बात देखिए कि यह इसका क्या है, यह इसका फीमेल यानी यह इसका पिस्टिल है, यानी ये स्त्री केसर है। और ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये इसका ओवरी है। ओवरी के नीचे आप देख सकते हैं ये नेक्टरी दिख रहा है, तो ये इसमें नेक्टर ग्लैंड्स हैं, इसमें नेक्टर का फॉर्मेशन होता है यानी मकरंद का फॉर्मेशन होता है। यह काफ़ी स्वीट है, मीठा है, इसी को चूसने के लिए जो मधुमक्खियां हैं या जो कीट हैं वो इसके अंदर जाते हैं। तो जब इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो बीच में ये एक शील्ड की तरह काम करता है, रोकता है, और तो कीट उसको दबाते हुए प्रेस करते हुए अंदर की तरफ जाते हैं। और जैसे ही इसको प्रेस किया जाता है इस वाले हिस्से को, तो ऊपर वाला जो है वो नीचे के साइड में आ जाता है। और इस तरीके से जो इसका एंथर है ये एक लीवर की तरह काम करता है। तो साल्विया पौधे में कीट के द्वारा परागण है और यह इसमें एक लीवर मैकेनिज्म है, लीवर की तरह काम करता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में आप देखते हैं साल्विया का ये फ्लावर है। चलिए इसको हम बड़ा करते हैं। तो साल्विया के फ्लावर में अब आप देखें कि यह साल्विया की खास बात होती है कि साल्विया प्रोटेंड्री शो करता है। प्रोटेंड्री का अर्थ है तो प्रोटेंड्री का अर्थ है यह प्रोटेंड्री का अर्थ है कि साल्विया में जो एंथर है पहले मैच्योर होता है और बाद में स्टिग्मा मैच्योर होती है। यह लेबिएटी फैमिली का है या लेमिएसी का है। अब आप देखें एक फ्लावर को हम और बड़ा करके आपको दिखाते हैं। तो ये साल्विया का ये देखिए लोअर लोब है, एंथर में लोअर लोब है, ये अपर है, ये फर्टाइल है, ये स्टेराइल है। और ये जो दिख रहा है ये है ओवरी है, ये स्टाइल है, और ये स्टिग्मा है। तो स्टिग्मा देखिए ये मैच्योर हो चुका है, यानी एंथर में पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो गए हैं, लेकिन अभी स्टिग्मा अभी मैच्योर नहीं हुआ है। अब आप देखें अब ये देखिए ये जो बी है यानी ये जो कीट है, मधुमक्खी है, अंदर प्रवेश कर रही है। प्रवेश क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ पर नेक्टर ग्लैंड है, तो नेक्टर को चूसने के लिए, मकरंद को चूसने के लिए वो अंदर जा रही है। तो जब ये अंदर जाती है तो जो लोअर लोब है बीच में बाधा पहुँचाता है, और देखिए जब ये अंदर इसको प्रेस करता है तो ऊपर का जो लोब है वो लीवर की तरह से नीचे आ जाता है और इस पर टच हो जाता है। तो टच होने से जो इसका जो पोलन ग्रेन्स है इसके शरीर पर आ जाते हैं। तो अब आप देखें कि अब जो कीट है उसके शरीर पर आ गया है। अब देखिए दूसरे फ्लावर में, जिसमें कि इस फ्लावर में अब आप देखें
तो इस फ्लावर में क्या है कि अब स्टिग्मा मैच्योर हो गया है, यानी स्टिग्मा मैच्योर हो गया, यानी पोलन ग्रेन्स को अब रिसीव कर सकता है, लेकिन तब तक जो है कि जो एंथर है वो क्या हो जाता है, वो नष्ट होने लगता है, क्योंकि वो मैच्योर होकर के पोलन ग्रेन्स उसके सारे बाहर निकल गए और ये नष्ट हो रहा है। तो जैसे ही देखिए इस वाले फ्लावर में जैसे ही कीट अंदर जाएगा, यानी जो तो जैसे ये अंदर जाएगा तो अंदर जाने से क्या होता है कि यह नीचे आ जाता है, यानी मैच्योर स्टिग्मा जो है यह नीचे आ जाता है, तो यह इस कीट के संपर्क में आ जाएगा। इस कीट के शरीर पर पहले से ही पराकण है, पोलन ग्रेन्स है, तो नीचे टच होने से पराग यानी जो स्टिग्मा है वह पराग कणों को ले लेता है और इस तरीके से फिर पॉलिनेशन का काम पूरा होता है। तो इस तरीके से बच्चों आप देखें कि यह इसमें ए बी सी डी दिखाया गया है। ए बी सी डी में पहले यानी प्रोटेंड्री शो करता है, पहले एंथर मैच्योर होता है, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तब तक स्टिग्मा अभी मैच्योर नहीं हुआ है, इसलिए वो अभी बंद है। अब आप देखें जैसे कोई कीट अंदर जाता है, ऊपर वाला लोब नीचे के साइड में आता है, इसके शरीर पे टच हो जाता है, सारे पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं। और ऐसा भी जब दूसरे फ्लावर पे जाता है जिसमें कि पराकण यानी ये जो एंथर है यह समाप्त हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, तब तक देखिए ये जो स्टिग्मा है मैच्योर होकर के नीचे आ गई है। और जैसे ही ये कीट इसके अंदर जाता है मकरंद चूसने के लिए, नेक्टर प्राप्त करने के लिए, जो स्टिग्मा है इसके शरीर पे टच हो जाता है और ये पोलन ग्रेन्स है इसको मिल जाता है। इस तरीके से अब आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यह जो कीट है, इस कीट में ढेर सारे येलो कलर के क्या हैं, ये पराकण इसके अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आप देख सकते हैं कि सालविया के पौधे में ये देखिए जो मधुमक्खी है यानी जो बी है वो अंदर प्रवेश कर रही है। और आप ये देखिए जब इस लीवर को प्रेस किया जाता है तो कैसे ये एंथर और ये स्टिग्मा है दोनों नीचे के साइड में आ जाते हैं। अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।